देवनागरी हरिद्वार में कावड़ मेला 4 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने का फैसला लिया गया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि उधम सिंह नगर कावड़ यात्रा के लिहाज से काफी संवेदनशील रहा है, इसलिए कावड़ यात्रा को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के कुआओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली रेंज के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में दोनों ही राज्यों के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान किया, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इसके माध्यम से कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने का फैसला लिया गया। एक समन्वय बैठक है, कावड़ कराने वाले पुलिस नहीं होते, कावड़ गंगा मैया कराते हैं, शिव जी के आशीर्वाद से कराते हैं, परंतु एक हमेशा से तरह जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, क्योंकि चीज़ें सेट है, एसओपी सेट है। मुख्यालय लेवल पे उत्तराखंड और यूपी लेवल के दोनों डीजीपीस ने एक समन्वय बैठक लेके वहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी सेट हो चुका है कि कहाँ ट्रैफिक डायवर्सन होना है, कब से कब तक रहना है। हमारा आज का ये जो एजेंडा बिंदु था, जिसमें अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय बैठक हमने लिया है, उसमें जो ग्राउंड लेवल में जो काम करने वाले कटिंग एज ऑफिसर्स बोलते हैं, जो रह के ग्राउंड पे एक्चुअल में काम करते हैं, हमारा एजेंडा था कि वो आपस में जान ले एक दूसरे को और किस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस का और यूपी पुलिस का और संपूर्ण कावड़ियों का जो आशाएं है और पूरा अपेक्षाएं है और रूल्स जो बनी है डाइवर्शंस का, उसको धरातल पर कैसे अमल में लाना है, उसके लिए निटी ग्रिटीज बोलते हैं ना, मतलब फाइनल चीज़ें, मतलब ग्राउंड ऑन ग्राउंड चीज़ें, क्या क्या करना है, गाड़ी रोकना है तो कहाँ रोकना है, गाड़ी देना है तो कहाँ देना है, डाइवर्शन लगाना है तो कहाँ लगाना है, प्रॉब्लम आती है तो किससे संपर्क करना है। हम कोई योजना बदलने का वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर तो केवल ये है कि जो मुख्यालय ने सेट किया है उसको किस प्रकार के धरातल से प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कावड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो। जैसा कि अभी आपके एसएसपी उधम सिंह साहब ने बताया है कि ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी, हम लोग आपस में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसी के संबंध में आज सब लोग बैठे थे, और आज इस मीटिंग में हम लोग द्वारा तय किया गया कहाँ कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। यही वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।